को कि मिर्जापुर से आए हुए हैं, इस दिन देखिए 21 रुपए दे रहे हमारी पार्टी हाथी स्वागत करती चाचा जी को। सीन देखते हैं हमारे हीरो साहब के 21 रुपए स्पेशल दे रहे हमारी पार्टी हाथ से बात करती है। सिठाई चाची इस भैया के जूतों का कपड़ा कहाँ रखी? भैया के जूतों का कपड़ा कहाँ रखी? तो कहाँ रखा क्या ना भागल की गाय अरे बुलो अरे सब यहाँ पागल है। देख करवा तू ये हीरा उसका भी काम तमाम काम तमाम बचा है सेठ पे ना ललवा उम्र का वैसे ही आ चुका है नहीं तो एक दिन उसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। फिर तो तुम सेठानी है ये हो एक दिन मैं भी यहाँ का सेठ बन जाऊंगा भाई सेठ है ये यहाँ आज अपने दिमाग में एक प्लान सोच रखा हूँ। क्या प्लान? प्लान है कि जा रहा हूँ अपने गाँव मदनपुर वही मैं तुम्हारे नाम का एक टाकी बनवाऊंगा बहुत बड़ी पिक्चर हॉल मोटे हेडिंग लिखा जाएगा कर्मा टाकी लेकिन तुमको क्या करना है? क्या उसमें हाथ बताना है मुझे? तुमको ये करना है क्या की तिजोरी का ताला तोड़ो बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके रखा है बहुत सारा रुपया हजू के निशानी से रात है सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब एक गट्ठर में बांधो गट्ठर में बांध कर पेड़ बकर कर मेरे गांव मदनपुर आंख में से निकला मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल करना जा रहा हूँ मैं देखा भाई इक्का जने जा चीन जाया हमार कर्मा टाकीज में देवा सबके पिक्चर देखा वो सबके थीम देखा खास करके बुढ़वन के हम ज्यादा कहे थे कहे थे नहीं ये बेचारे ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते जे जे लाठी ले चला थे वो ऊपर हाँ इनका सबे के पिक्चर दिखाओ फिर इन एक रुपया न ले जाई हो देगा टिकट के एकदम नंबर वन सीट दिलाओ मगर पिक्चर दिखाओ ए समझ गया वह पिक्चर दिखाओ सवेरे तक उठ के जाए दिन देखा पिक्चर देखा कि मेरा कि ना Yeah.
साहब तब ठोकरे खाओगे। सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, चले उसे मंदिर पर रहूंगी, फुलवार देखभाल करूंगी, वही मेरा जीवन भी दिया था। है मेरे लिए भी कोई सारा दे दो माली। चलो खा रहा हूं, प्यास बहुत जोर से लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे फल नहीं मिलेगा तो मेरा दम निकल जाएगा। देख रहा हूं सामने शिव जी का मंदिर है और एक देवी जी बैठी है, चल रहा हूं, हो सके मुझे यहां पर पानी मिल जाए। देवी जी मुझे पानी पिला दीजिए वरना मेरा दम निकल जाएगा। क्या जी आप प्यासे या पानी पीना चाहते हैं? तो आप मेरी बात सुनिए, साल में ही। देवी जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आप मुझे पानी पिलाइए। पानी पिलाया और मेरी जान बच गई। लेकिन आप ये नहीं बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहने वाली हैं? सुनिए देवी जी, जी
नाम संदीप है और मैं जान रहने वाला हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे माँ घर से भगा दी। ये दुनिया मेरा कोई नहीं है, मैं किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन देवी जी आपको साफ से बता दिया, लेकिन आप आपका नाम क्या है, आप कहां रहने वाली हो और कैसे कब से निखारण हो गई? तो मेरा नाम सुषमा है और मैं गांव मदनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मैं भीख मांग का अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन आपकी कहानी सुन रही हूँ तो आप भी मेरे जैसे है, आपकी भी दुनिया में कोई नहीं है। तो सुनिए जी, मैं भी आप जैसी हूँ। आप प्यासी थी, मैं आपको पानी पिलाई, आपकी प्यास बुझ गई। आप सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती है? तरफ से 30 रुपए दे रहे हैं। ठीक ठीक बाबू जी, 10 रुपए आप सोचे भी इसे बता। देवी जी, मैं ये गरीब इंसान की तरह भीख मांग गुजार कर रहा हूँ, ये दुनिया मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए जी, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं? देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरी हालात देखिए, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मैं भीख मांग का अपना जीवन बिता रही हूँ। आप ही मेरे सारे बन जाइए ना, आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। ए राजा जी, पहली बात मुझे राजा जी मत कहो। क्या? क्योंकि मैं तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है लड़कियां कितनी बेवफा होती हैं। प्यार तो कर लेती हैं पर निभा नहीं जानती हैं, ना ही जीने देती है ना ही मरने देती है, इस वाली बीच मटकाए रहती है। क्या बात करते हैं? और क्या,
ये जी हाँ। आप मुझसे शादी करिए हाँ। आपके साथ जीवन भर निभाऊंगी मैं। कैसे विश्वास करूँ? आप मेरी बात मान जाइए ना। मैं कह दिया ना कि मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। देखिए जी हाँ। आप प्यासे थे हाँ। मैं आपको पानी पिलाई हाँ। आपकी प्यास बुझाई हाँ। लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। देखिए अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो मेरे लिए तुम जान दे सकती हो और क्या? तो आज मैं भी देखूंगा कि लड़कियां किस तरह प्यार में जान देती हैं। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो ठीक है। बात क्या है बहना जो कि घंटा बाज रहा है? क्या बताऊं भैया, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? क्या ये गरीब इंसान आया, वो प्यासा था, मैंने उसे पानी पिलाई और मैं कह रही हूँ भैया कि मेरी बात मानो, तो भैया मेरी बात नहीं माने। हाँ बहन की बात ना माना था? हाँ नहीं भैया। हमारा नाम ना बताऊ कहा? अमिताभ को नाम नहीं बताई भैया। लेकिन एक बात हमें ना समझ पावा, बतिया कहाँ आया जो मन माना था ना? भैया मैं उससे शादी करना चाहती हूँ भैया। हाँ या हो हम लड़का हेरत है तो फिट करे यहाँ कहाँ बातें मेहमान? यह बातें भैया बतलाई आप कहीं आवा हो मेहमान का हो जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम। कैसा पड़ा है चुकरा था भाई? हमारे चौकड़े जिन जा हमारे चौकड़े से गाँव का भैंस यहाँ कोरावत यहाँ तोहरे बोली इतनी शक्ति बात है? कहा भाई हम चौकड़ी दे। अच्छा एक बात बतावा तू हमारी बहन से शादी का है ना कर? देखा शादी तो ना कर तो तेल लगा के ना कर। अच्छा अच्छा तू सोचत होगा हम तेल लगाओ तब कर? हाँ हाँ तू सोचत होगा ना? हाँ हाँ हम कहा तेल लगा शादी नाते ना करब कि हमार बहन जेका पसंद करे वही साथ से शादी कर। मतलब तुम्हार बहन जेका पानी पे ही तो कह सके जबरदस्ती ब्याह कर? अरे यार हम कहा तो काहे पर टाल देता है पानी पिए यहाँ तो ब्याह कर बस। ब्याह न करब न करबते काम हाँ। तू जमन हमार पानी पिए है उका वापस कर तू अपने रास्ता हम अपने रास्ता। देखा भाई पानी हम पी ले हो पानी वापस हम ना कही पाओ ना कही पाओ तो जबरी बोला तो मेहमान। हम कहा थे जल्दी ब्याह कर ना हमारे कहती मेहमान रिसिया थी तो लथिया बहु जा थी। मतलब तुहार बहन जेका पानी पी ही तो कैसे जबरदस्ती ब्याह कर? काहे बहन का हमारे पसंद आया यार। ये बात तो अपने बहन से पूछ काहे पसंद आई गए ना। अमेरिका तोहरी माए से पूछ के तू इतना सुंदर पैदा का है भैया कतौ नदगल तना चबात रहे। देखा भाई हम गरीब मनई है हमारे घर द्वार नहीं को ठिकाना बा। तोरे घर कहा तोरे घर द्वार ना है ना भाई गरीब है तू और का? अरे यार मेहमान ऐसे लड़के हम खुद ही हो रत रहे अब तो तुमका जबरी भी यहाँ करे पड़े। तू काहे बड़ी चिंता करता मेहमान? अरे तोरे घर दुआर नाने तो का भवा हाँ। तू हमारी बहन के साथे शादी करा तो होगा तो हम खुद ही रहा खा। हम तोरे बहन संगे शादी कर लिए हम के तो खुद ही रखबा। तू रखबा यार? हाँ यार कैसे रखबा यार? अरे तोसी बच्चा ना पैदा करेगा तो का नवासा रखा। मतलब ये ससुरारी में पड़ा रहा। अच्छा माल ब्याह में तैयार हो गए पंडित जी कहाँ मिली ही? तो का हमसे ज्यादा बढ़िया पंडित कहाँ पाऊ गया? कहो यार पंडित है का ढेर ब्याह कराई थे मेहमान अब विश्वास कर ले जेकर जेकर हम ब्याह कराए दिन मेहरारू एक हफ्ता से ज्यादा रहबर नाय भाई। एक दम ब्याह करने तैयार ना होता ही भाई मजबूरी में कैसे तैयार हो गए नहीं पानी निकाले पड़े और जब ब्याह कर ले मेरे भाई एक हफ्ता ज्यादा घर रहबुन करे हम ब्याह न कर भाई काहे न करबे यहाँ। अरे आज जब मेहरारू हमारे घर एक हफ्ता ज्यादा न रहे तो ब्याह करे का मतलब बतावा? एक बात बतावा मेहमान तोहरे कहती बहन बिटिया पहल पठाने का महीना भर जा थी काम ई मतलब और का मतलब समझ गया ना कर भाई लागा का मेहमान हमारे दिमाग के फायदा लहा का भाई जय कमाल आता ई बीरू कमाल या मिलाई के जयमाल बना दे रह जा बर्दाश्त करा ब्याह करावत है मेहमान। जब मंत्र पूरा हो तब इशारा करावा तब वरमाला डाला थी माला महाराज अगर आगे पीछे तब जैसे फाट बा उसे ब्याह फाट जाए। कहो यार ब्याह फाटा था? ब्याह फाटा था मेहरारू नैहरिन भागा थी। एक बात बा जान मेहमान चला इशारा करावा मेहमान मेहमान मैं कियाम 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 कियाम
मंटरवा फसल बस 150 हो कहाँ। हम तो है पहले बताए कि हम गरीब मनाई है ना, हमारे घर द्वार ना कुछ ठिकाना बा रही बात, अब तब पंचे साथ साथ हमारा सारू बनता है भाई। पदे में कवन था नहीं था ना सारा भाई की है पदे में तब ब्याह करावा सवेरे हम तो एक मुठ दे ठीक बा सवेरे एक मुठ ना दे बट कल हम खाली रही बार आलम तो होकर हम चार छह मुठ दे दिए। गजानन अम्भूत गराडी से वितम तपित कंदे चली चार भक्रम मासुतम सो विनाश कार्यक्रम पन बिगने सुल पाद कंदकम ओम नमो नमायन करो चदा अब कन्या बर के